गरिमा, स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एटा पुलिस ने अवैध शस्त्र माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में बने अवैध शस्त्र और एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शस्त्र माफियाओं में हड़कंप की स्थिति। आपको बता दें कि जैतरा पुलिस को कई दिनों से अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री के संबंध में शिकायत मिल रही थी। जैतरा पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाकर अवैध शस्त्र के लिए बदनाम गाँव परौली में जंगल के पास झाड़ियों में छिपकर अवैध हथियार का निर्माण करते हुए मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है। इसे फैक्ट्री में बरामद किए गए हैं शस्त्र बनाने के, इनके पास से 7 अधबने और 7 कंप्लीट और 1 अधबना तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है और 1 खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस विजय नाम का आदमी है, इसका आपराधिक इतिहास भी लंबा है। इसने बताया है कि आसपास के जनपदों फरुखाबाद हाथरस वगैरह वगैरह में सप्लाई करता था, कोई एग्जैक्ट प्लेस सप्लाई नहीं था। मांग करने जो लोग आते थे उनको दिया जाता था और इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गिरफ्तारी कर ली गई है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।